वही पहली जैसी कि एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अब हमें मेजर करना है कि कितनी है, कितना अपोज कर रही है एक कॉइल दूसरे कॉइल को, कितना अपोज कर रही है। इसे प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए जैसे पीछे हमने इंट्रोड्यूस किया था कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यहाँ क्या हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ऐड ही डालते हैं कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बहुत जल्दी से करते हैं, हम समझेंगे नहीं इसमें कुछ भी। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस किया प्राइमरी ने, वही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है किससे, सेकेंडरी से। प्राइमरी का, प्राइमरी ने जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो डिपेंड है करंट पर, करंट पर म्यू नॉट एन आई, और वही मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है किस पर, किससे, सेकेंडरी से। तो सीधी बात यह है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड अपॉन द करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन प्राइमरी कॉइल, और यहां से आपका एम आई, टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल। इफ आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर तो M इज इक्वल टू कितना हो गया, 5E। ठीक है, जब आपके प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, जब आपके प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, अब जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है सेकेंडरी कॉइल से, यही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाया जाएगा कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स। ये एक कॉइल का नहीं है, ये एक कॉइल का नहीं है, दोनों कॉइल्स का है, ये म्यूचुअल है। ये व्हेन करंट लिंक्ड विद वन ऑफ द कॉइल इज 1 एम्पियर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अदर कॉइल इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स। ठीक है, कीजिए इतना लेबल लिखते हैं, पहले से लिखते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन ऑफ द कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर कॉइल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर कॉइल प्लेस्ड क्लोज टू इट, प्लेस्ड क्लोज टू इट। ठीक, इसके बाद ये लिखेंगे क्या, फाइव बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, फाइव बी इक्वल्स एम आई, फाइव बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, फाइव बी इक्वल्स एम आई। फिर इसके बाद लिखना वेयर एम इज अ कॉन्स्टेंट, वेयर एम इज ए कॉन्स्टेंट कॉल्ड, वेयर एम इज ए कॉन्स्टेंट कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड कॉइल्स, बिटवीन टू कॉइल क्लोजली प्लेस्ड कॉइल। उसके बाद लिखेंगे इफ आई इक्वल्स 1 एम्पियर एम इक्वल्स 5E, If I equals 1 ampere, M equals 5E। ठीक है, तो अब यहाँ इसके आगे वही जैसे पीछे बनाना है वही सब कुछ है, बस सेल्फ इंडक्शन के बजाय म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स आ जाएगा। लिखते हैं द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड कॉइल्स, द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड कॉइल्स, बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड कॉइल्स is numerically equal, is numerically equal to the magnetic flux, is numerically equal to the magnetic flux linked with one of the coil, linked with one of the coil when a current of 1 ampere is flowing through the other coil।
when a current of 1 ampere is flowing through the other coil. When a current of 1 ampere is flowing through the other coil, next line se likhiye, the unit of coefficient of mutual induction is Henry. Unit of coefficient of mutual induction is Henry. ठीक है, यहां से M is equals to कितना निकल कर आया, phi B upon I. ठीक है, if I equals 1 ampere and phi B is equals to 1 Weber, then M equals 1 Henry. क्या कहा जाएगा कि जब एक कॉइल में करंट हो 1 एम्पियर और दूसरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाए 1 वेबर, तब इन दोनों कॉइल्स के बीच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहला जाएगा 1 हेनरी. लिखिए इतना. लिखते हैं, the coefficient of mutual induction between two closely placed coils, the coefficient of mutual induction between two closely placed coils is 1 Henry, is 1 Henry when a current of 1 ampere through the coil, when a current of 1 ampere through the coil, when a current of 1 ampere through one of the coil cause a magnetic flux of 1 Weber, cause a magnetic flux of 1 Weber linked with the other coil, cause a magnetic flux of 1 Weber linked with the other coil. ठीक है, टॉपिक पूरा नहीं हो पाया आज, सोच रहा था म्यूचुअल इंडक्शन